दिल्ली में असेंबली चुनाव का माहौल गर्म है। आज हम सीलमपुर विधानसभा में, जहां से चार बार विधायक रहे चौधरी मतीन साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हुए हैं, यहां से आम आदमी पार्टी ने अपना विधायक जो हाजी इशराफ थे उनको बदलकर अब्दुल रहमान को खड़ा किया है। हम चौधरी साहब से पूछते हैं कि इन चुनावों में क्या मुद्दे हैं बुनियादी तौर पर। चुनाव में मुद्दा तो असली में डेवलपमेंट ही होना चाहिए, और डेवलपमेंट जो इस साल का टाइम रहा हमने उसमें किया है। आगे एजुकेशन के लिए काम करेंगे, और जो आप सरकार हेल्थ की बात कर रही है, अस्पताल का हमारे यहाँ बुरा हाल है, माने डॉक्टर हैं, दवाई हैं, उसके लिए इंतजाम करेंगे और कोशिश करेंगे। शास्त्री पार्क में अभी डीडी रेंट काफी है, जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से एक अस्पताल हो, और जो लेडीज को डिलीवरी के लिए जो गायनी है उसमें हमने अलग से डिपार्टमेंट करवाया था, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको भी ठीक से एक्टिवेट करेंगे, जिससे हमारी बहनों को मछली वाला या LNJP या दूसरे अस्पतालों में न जाना पड़े। दूसरे जो पानी गंदे की शिकायत है इलाके में बहुत ज्यादा, उस गंदे पानी को भी ठीक करवाएंगे और पानी की सप्लाई बढ़वाएंगे। आपका मुकाबला मतीन भाई किससे है, यहाँ पे BJP से है या आपसे है, किससे? हमारा मुकाबला BJP से है, आपसे कोई मुकाबला नहीं है, और BJP का अपना अलग वोट बैंक है, उसी से मुकाबला है। यहाँ पे जैसे ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय में, अकलियतों में केजरीवाल की काफ़ी मकबूलियत है, उसको आप कैसे देखते हैं? केजरीवाल ने क्या काम किया अकलियतों के लिए जो अकलियतों में इतनी मकबूलियत बताई जाती है? कोई काम नहीं किया उन्होंने। उर्दू टीचरों की आज तक वो पूर्ति नहीं कर पाए, कई हजार टीचरों की कमी है। दूसरे जो CAA और NRC आई है उस पर उन्होंने एक अल्फाज भी नहीं बोला, चुप बैठे रहे, और स्पेशली 18,000 लोग उन्होंने सिविल डिफेंस में रखे, उसमें कुल 8 आदमी उन्होंने माइनॉरिटी के रखे हैं। कोई काम नहीं किया, एडवर्टीजमेंट किया, एडवर्टीजमेंट होने से आदमी की जबान पर आ जाता है और वो उनके जबानों पर है, रियल में उन्होंने कोई काम अलग से नहीं किया। उन्होंने जो अपना उम्मीदवार बदला, तो क्या ये उनका इतराफ है कि हमारा जो MLA था वो काम सही नहीं कर रहा था इसलिए उन्होंने बदला? इसमें इससे ज्यादा जो MLA यहाँ के 6 हाजी सराफ, उनका कहना यह है कि ये पैसा लेकर टिकट दिया गया है, 5 करोड़ 6 करोड़ का इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं भी समझता हूँ कि इसमें कहीं कुछ ऐसी बात जरूर है, जो हाजी सराफ का टिकट काटा है उसमें कोई बुराई या कुछ नहीं थी, एक ही थी कमी जो एजुकेशन वाली थी, उसके अलावा कुछ ज्यादा कमी मुझे नजर नहीं। कल कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उस मैनिफेस्टो में 200 की जगह जो आम आदमी पार्टी 200 यूनिट की फ्री बिजली की बात करती है या देती है, उसमें कांग्रेस ने 300 यूनिट का वादा किया, इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, वो तो ठीक किया है उन्होंने। देखिए, अब वो दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया, डेवलपमेंट की ज्यादा वो नहीं है, टैक्स दिल्ली में इतना आता है, 60-70 हजार करोड़ का बजट है, तो वो अब पब्लिक में खर्च होगा। 300 यूनिट की बात की है तो और लोगों को उसमें फायदा ऐड हो जाएंगे और लोगों को फायदा हो।